Hello friends and my lovely students, welcome to my YouTube channel. Aji kar jo class ti roichi gote neara class roichi jaha ki roichi aji apan manku pai mu apan manku pai odia ro essay nei kari aschi. Dekhantu eta sabu class pai uddishta rahibo jo aji kar rachana ti to bahut hi jana suna rachana achi aji kar achi jo ta ki amar season anusare barsha rutu achi. To pila mane 10th class pila manku ro formative assessment 1 pai eta apan manku bahut helpful rahibo baki anya class ro pila manku pai madhya eta important rahibo. तो गोटे रचना लेखला बेले आमर कौन कौन जिनस रही दरकार प्रथम तो उपक्रम रखे जो समय निरूपण वर्षाकालीन प्राकृतिक सभा मानने यही रचना अनुसार जहा जा दरकार देन अच्छे कौन जनजीवन वर्षा ऋतुर प्रभाव कौन पर्वपर्वाणी कौन पड़ी था लास्ट तार उपसंहार पे विशेषकर आप जो उपक्रम उपसंहार टाक निश्चित भाव रखिए भल भाव तो देखु ये ऋतुचक्रर ऋतुचक्रर घूर्णयमान चापी हो प्रचंड निरस शुष्क ग्रीष्म ऋतु जेतेबेले धरापृष्ठ रे विदाय निए सेतेबेले तार स्थान पूरण निमित्त आगे आसे चलचंचल वर्षा ऋतु आषाढ़ और श्रावण मास को नहीं साधारणत वर्षा ऋतु अनुभूत हुए भाद्रव आश्विन मासोदय को एही ऋतु पर्याय रे अंतर्भुक्त करा जाय वर्षा ऋतु को ऋतुर्मास्या बोली कहा जाए कहते बहुत समय रे वर्षा ऋतु को आमर चतुर्मास्या बोली कहा जाए इंग्राजी मास अनुसार वर्षा ऋतु जून मासरु आरंभ हो सेप्टेम्बर मास पर्यंत अनुभूत हुए आषाढ़ मासर आरंभ में घनकृष्ण बादल छाए आकाश को आच्छादित करे बादल रूपी चांदुआ को आकाश बुक टाणी दे से पृथ्वीवासी को जणाई दिए तार आगमनर बार्ता घनकृष्ण बादल भितर झरी आसे अविरत वर्षाधारा वर्षा ऋतुर आगमन रे रौद्र तापक्लिष्ट धराप्राण सिक्त सरस सुंदर और उल्लसित हो उठे यही ऋतु में भारत महासागर उपरी भाग दे प्रवाहित तो दक्षिण पश्चिम वायु भारत वर्ष प्रवेश वर्षा ऋतुर राजत्व जोटा कि आरंभ कराए वर्षार आगमन रे प्रकृतिर परिवर्तन देखा दिए आकाश मेघाच्छन्न हुए मेघ कल रे विद्युत लतिकार नृत्य छटा जोटा कि कवि भावुकर मनरे सृष्टि करे भावांतर एही नृत्य देखी बरसा राणीर आखिरु झरी पड़े आनंद स्वरूपी जोटा कि बारिधारा बारिधार परस पाई शुष्क निरस पृथ्वी बक्ष पुलकित हो उठे नई नाल पोखरी गाड़िया जलपूर्ण हो उठती पृथ्वी सबुज श्री पिमंडित हुए वर्षा जल रे जलाशय गुड़िक पूर्ण गर्भा हुए लक्ष्य कर कविवर राधानाथ वर्षा पदर वंदना करते निरपाते पुरीला सर सात्विक गुणे यथा साधु अंतर निदाघ रुक्ष मही वर्षा स्नात हो श्यामिना श्यामिमा भरी जाए कृषक मैंने कठोर परिश्रम कर जमी बेषण से लगि पड़ती मयूर मैंने आनंद विभोर हो नृत्य करती बेंग रड़ी चतुर्दिक मुखरित तो हुए बेले बेले मेघ और सूर्यंकर लुचकाली खेल बेस मनमुग्धकर हुए राधानाथ यही सुंदर दृश्य को कविता रूपे जोटा कि देखते कौन ना क्षणे निविड़तम ग्रासई धरा क्षण उपजे पुणी प्रचंड खरा मेघ और सूर्यंकर लुचकाली मध्य आकाशर इंद्रधनु निजर क्षणिक मनोलभ रूप से जनमानस अफुरंत आनंद सृष्टि कै बेनी कटिकी निहि बेनी मध्य त्रिभिन्न ज्योतिषरत स्थिति अंबारे बाड़ी बगीचा रे नाना जातिर शाग और पनीपरिया चाल उपरे लाऊ कखारु पैडंक भूमि उपरे धड़ाधड़ा छतु देखिले प्राण जमी पुलकित तो हो उठे यही ऋतु में धरणी राणी सगुआ रंगर शाढ़ी पिंधला पर जमी जना पड़े किया केतकी जुई जाई मल्ली मालती माधवी कदम ककिलंदम्ब चंपा काठ चंपा टगर तराट गोलाप नियाली सेवती हरगौरा फुलपुठी पल्ली भूमि को जमी सुशोभित करें जहनी फुल मंदार फुल गाँ भुई सुंदर देखा जाए वर्षा ऋतु में अनेक पर्वपर्वाणी पालित तो हुए श्री गुंडीचा चितालागी अमावस्या झूलण यात्रा राखी पूर्णिमा प्रभृति पर्वपर्वाणी को लोके आनंद उल्लास ऋतु में पालन करती सब पर्वपर्वाणी लोक मान कर्मक्लांत जीवन को करे सरस सुंदर और मादकतापूर्ण यही ऋतु में जलर अभाव रुहे ना देह मन शीतल रुहे बाड़ी बगीचार बहुत पनीपरिया जन्मे बन्या फल जमी में पटुमाटी माड़ी जमी गुड़िक उर्वर हुए गोरु गाई मान प्रचुर घास खाइबा को पाई गच्छलता सब मरण मुहरू रक्षा पाई नुआ जीवन जमी लाभ करें जल विहुने सृष्टिनाश जल गहले सृष्टिनाश
ଏହି ଋତୁର ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜଳ ନଥିଲେ ବି ଅସୁବିଧା, ଜଳ ଅଧିକ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା। ଏହି ଋତୁରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ଏହି ଋତୁରେ ରାସ୍ତାଘାଟ କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ କାଦୁଆ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଚାଳ ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଳ ଫୁଟି ପାଣି ପଶିଯାଏ, ମାଟି କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ନଦୀ ବଢି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ବିପଦ ହୋଇଥାଏ। ବଢି ପାଣିରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଘର ଦ୍ୱାରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ସବୁ ଭାସିଯାନ୍ତି। ରାଧାନାଥଙ୍କ ଭାଷାରେ ଲଙ୍ଗ ହୋଇ ନଦୀ ସ୍ରୋତ ସେତୁ ବନ୍ଧନ ରାଜଦ୍ରୋହୀ ଦେଶନ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉପକାରିତା ବହୁତ ବେଶୀ। ବର୍ଷା ଋତୁ ନଥିଲେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଲୋପ ପାଇଥାନ୍ତା। ଏହି ଋତୁରେ ନଦୀ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଅନେକ ଜଳବାହିତ ରୋଗରେ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ। ବରଷା କାଳ ଅଟେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ, ପାଳଇ ପରଜାଙ୍କୁ ବରଷି ପାରି ନାଇଁ କି। ତ ଏ ତ ଥିଲା ବର୍ଷା ଋତୁ। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନେଇକରି ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ।